हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में अगर आपको लेस देन सैलरी है, जैसे यहां पे देख सकते हैं ये सैलरी दी गई है, तो इस सैलरी में हमें करना क्या है, लेस देन 30,000 वालों को छांटना है, उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे। तो यहां से क्रिएट पे चलते हैं और चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर। ये आ गए, अब यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पर चले जाते हैं। अब यहां पर हमको वो क्वेरी टाइप करनी है जिसकी मदद से केवल उन्हीं लोगों की, उन्हीं टीचर्स की लिस्ट दिखेगी जो लेस देन 30,000 सैलरी पाते होंगे। तो कैसे होगा ये, ऑलरेडी यहां पर सेलेक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है। यहां पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन लगाते हैं और यहां लिखते हैं फ्रॉम टेबल का नाम। तो जो भी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम दे देना। टेबल का नाम हमारे टीचर्स, तो यहां लिख देता हूं टीचर्स कुछ इस तरीके से। ये टीचर लिख दिया। टीचर लिखने के बाद क्या करना है, टीचर लिखने के बाद एंटर करके नीचे आना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया दे देनी है, कंडीशन दे देना है। तो ये लिखा क्लियर। अब यहां पर क्या करता हूं, सैलरी लिखता हूं, सैलरी इज लेस देन करेंगे, ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन है, ठीक है, लेस देन 30,000 करेंगे। तो ये 30,000 कर दिया, हो गया काम। बस यहां पर आपको सेमी कोलन दे देना है। ये जो क्वेरी बनी हुई है, ये क्वेरी फोर है जो हम बना रहे हैं, आप यहां से रन करवा दीजिए। तो यहां पे देखेंगे कि लेस देन 30,000 वालों का ही रिकॉर्ड आपके सामने आया है। अगर आप लेस देन 20,000 करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वापस वही काम, यहां पर जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पर जाएंगे, सेलेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और किससे हमें सेलेक्ट करना है, फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स से सेलेक्ट करना है। तो टीचर्स नाम की टेबल है, उसी से सेलेक्ट कर लेते हैं, TEACHERS टीचर्स, ठीक है। और टीचर्स में क्या होगा, यहां पर वेयर लिखेंगे, वेयर WHERE वेयर। अब यहां पर क्राइटेरिया देनी है, सैलरी लेस देन क्या करते हैं, 15,000 से कम जिनकी सैलरी हो, केवल उन्हीं का रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो, तो बस यहां से रट क्लिक कर दीजिए। एक ही आदमी है जिसका सैलरी 12,000 है। यहाँ पे टीचर्स की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, ये देख सकते हैं टेबल जो क्रिएट हुआ था, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि मैक्सिमम सैलरी क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी क्या है और मिनिमम क्या है, 10,000 से या 15,000 से कम कितने ऐसे है व्यक्ति जिनको 15,000 से कम सैलरी मिलती है। तो एक ही तो है, जुगल है, तो इन्हीं को केवल मिलता है। तो आप देख सकते हैं क्वेरी के माध्यम से आसानी से आप भी कर सकते हैं ये काम। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसी बने, ठीक है, अब एक और क्वेरी की बात करते हैं। तो यहां से चलते हैं क्रिएट पर, फिर क्वेरी बनाते हैं। ये क्वेरी पे आ गए, क्वेरी पे आने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए, फिर यहां से आ जाइए, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी बनानी है, यहां पर लगा लिया, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम किस टेबल से होना है, तो जो भी टेबल का नाम है टीचर्स, तो ये टीचर्स दे दिया, ठीक है। एंटर करके नीचे आएंगे वेयर, अब यहां पर कंडीशन दे दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि अब एक बार इस टेबल को देख लेते हैं, जो टेबल हमने बनाया है इसमें देख लेते हैं कुछ चीजें। ये देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, एज की बात कर लेते हैं। एज इज लेस देन कर देते हैं, लेस देन 40 कर देते हैं, लेस देन 40, ठीक है। तो यहां पर वापस आते हैं, ये एज इज लेस देन 40, तो यहां पर लिखेंगे एज इज लेस देन 40। तो अगर 40 से लेस करेंगे तो 40 से लेस वाला आएगा, तो ये देखिए 40 से लेस वाला पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए किसी की भी एज 40 या 40 से ज्यादा है नहीं है, ठीक है। तो ये एक और क्वेरी है। अब इसमें बिटवीन का कैसे लगाएंगे, बिटवीन का वो भी बता देता हूं। यहाँ पे आए, इसको क्लोज किया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, और फिर वही काम करना है, स्टैक का सिंबल लगाना है आपको, ठीक है। इस क्वेरी में भी आपको क्या काम करना है, वही स्टैक का सिंबल लगाना है। तो यहाँ से जाकर के मल्टीप्लाई यानी स्टैक का सिंबल लगा लिया, यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम टीचर्स, TEACHERS टीचर्स, इसी में से हमें उठाना है, ये ले लिया। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या है, हमने चाहिए कि वेयर लिख दिया। कंडीशन ये है कि एज, ठीक है, यहाँ पे देंगे बिटवीन क्या देंगे, बिटवीन, तो यहाँ पे लिख दिया बिटवीन, ठीक है। एज इज बिटवीन 50 एंड, या फिर ऐसे कर देते हैं 40 एंड 50, ठीक है, 40 एंड 50 कर दिया। और ये करने के बाद यहां पर क्या करना है, सेमी कोलन लगा देना, ताकि ये टर्मिनेट हो जाए, बस रन करना,
तो यहाँ पे देखिए 40 और 50 के बीच के एज वाले लोगों के नाम आए हुए हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तो बस यही आपकी क्वेरी है, इसी तरीके से आपको क्वेरी सॉल्व करनी है। एक एक मिनट लगेगा आपको क्वेरी सॉल्व करने में, यही लिखना पड़ेगा कोड, और ये लिख दीजिएगा क्वेरी हो जाएगी। और एक क्वेश्चन पर चार नंबर पांच नंबर मिलना है आपको, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पांच नंबर ले लीजिए, चार नंबर का क्वेश्चन है चार नंबर ले लीजिए, तो कितना लगेगा। अगर मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको पांच मार्क देना है, ऐसे ऐसे पांच क्वेश्चन आ गए तो कितने नंबर हो जाएंगे, 25 मार्क्स हो जाएंगे, 25 मार्क्स हो जाएंगे, बहुत इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।